हेलो दोस्तों, एग्री नाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि आधुनिक समय में तमाम प्रकार के कृषि यंत्र आ गए हैं जो बुवाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें हमारा समय का बचत होता है। जैसे कि सपोर्ट डायरेक्ट, अगर हम फसल की हार्वेस्टिंग करते हैं उसके बाद हम वेट करते हैं कि हमारे फील्ड में नमी है कि नहीं है, अगर नमी है तो हम ट्रैक्टर से उसकी सोइंग करवा देते हैं। लेकिन प्रेजेंट में ऐसा कंसेप्ट डेवलप किया गया है कि आप अपना क्रॉप का हार्वेस्टिंग करने के तुरंत बाद ही आप डायरेक्ट सोइंग कर देते हैं, जो हमारा मिनिमम टिलेज के अंतर्गत आता है। आइए इसी कंसेप्ट का हम अध्ययन करते हैं। मिनिमम टिलेज सर्वप्रथम डॉक्टर जीबी ट्रिपलेट द्वारा 1974 में दिया गया था, जो कि यूएसए के एक वैज्ञानिक है। आइए देखिए उनका क्या कहना है, आइए उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। मिनिमम टिलेज इज एम्ड एट रिड्यूसिंग टिलेज टू द मिनिमम नेसेसरी फॉर एंश्योरिंग ए गुड सीड बेड, रैपिड जर्मिनेशंस, ए सेटिस्फैक्ट्री स्टैंड एंड फेवरेबल ग्रोइंग कंडीशंस। कहने मतलब है कि फसल के जल्दी अंकुरण के लिए हम ऐसी तकनीकी का निजात करें ताकि हमारा समय क्या हो, बचे, जिससे हम अपना समय का बचत करते हुए फसल का उत्पादन कर सकते हैं। जिसमें हमारा अगला पॉइंट है एडवांटेज ऑफ मिनिमम टिलेज। कहने मतलब है कि अगर हम न्यूनतम भू परिष्करण का पालन करते हैं तो उसमें हमारा क्या क्या लाभ होता है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। देखिए इसमें पहला पॉइंट है इम्प्रूव्ड सॉइल कंडीशंस ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट रेसिड्यूसेस इन सीटू। सेकेंड पॉइंट है हाइयर इन्फिल्ट्रेशन। थर्ड पॉइंट है लेस रेसिस्टेंस टू रूट ग्रोथ। फोर्थ पॉइंट है लेस सॉइल कंपैक्शन। देखिए इसमें कहने का तात्पर्य है कि अगर हम न्यूनतम टिलेज, जिसे हम बोलते हैं मिनिमम टिलेज, अगर उसका हम पालन करते हैं तो हमें जो है क्या बोलते हैं, हमारे सॉइल का जो है फर्टिलिटी रेट वो इंक्रीज होगा, क्योंकि फील्ड में जो हमारे फसल लेने के बाद क्रॉप रेसिड्यू बचते हैं, जैसे धान की फसल लेने के बाद उसका जो बचता है क्रॉप रेसिड्यू जिसे हम बोलते हैं पुआल, वो फील्ड में रहता है और डिकम्पोज हो जाता है, जिससे फील्ड को क्या मिल जाता है, उर्वरता। अगला पॉइंट है हाई इन्फिल्ट्रेशन रेट। मिनिमम टिलेज का प्रयोग करने से फील्ड की जो जल धारण क्षमता है वो बढ़ जाती है। और थर्ड पॉइंट है लेस असिस्टेंट टू रूट ग्रोथ, और जो क्रॉप का रूट ग्रोथ एबिलिटी होती है वो अच्छी हो जाती है। आइए हम चर्चा करते हैं मिनिमम टिलेज उपयोग करने से हमें क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। पहला पॉइंट इसमें है सीड जर्मिनेशन इज लोअर। सेकेंड पॉइंट है मोर नाइट्रोजन हैज टू बी एडेड। थर्ड पॉइंट है सोइंग ऑपरेशन आर डिफिकल्ट। फोर्थ पॉइंट है कंटिन्यूअस यूज ऑफ हर्बिसाइड्स काजेज पॉल्यूशन प्रॉब्लम। कहने मतलब है अगर हम जब मिनिमम टिलेज से अगर खेत की बुआई कर देंगे तो उसमें हमें क्या होगा, कम नंबर में हमारे सीड जो होंगे वो जर्मिनेट होंगे, जिससे क्या होगा हमारा फसल उत्पादन घट जाएगा और ज्यादा मात्रा में हमें नाइट्रोजन का उपयोग करना पड़ेगा फील्ड में। और तीसरा पॉइंट है जो हमारे क्रॉप रेसिड्यूस हैं उनको अच्छी तरह से डिकम्पोज करने के लिए हम हर्बिसाइड का उपयोग करेंगे, जिससे क्या होगा पॉल्यूशन क्रिएट होगा। और सोइंग के लिए हमें स्पेशल तरह के इक्विपमेंट चाहिए, जैसे हमारा फर्टिकम सीड ड्रिल हो गया और फर्टी सीड ड्रिल हो गया, जो एक ही साथ फील्ड की
प्लाविंग और सोइंग करते चले जाएंगे। इसके लिए हमें क्या होगा, कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें हमारा जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बचेगा, लेकिन इसमें तकनीकी ज्ञान का हमें ज्यादा आवश्यकता होगा। मिनिमम टिलेज आने का उद्देश्य ये है कि हमारा समय बचे और किसान जो है कम समय में अधिक से अधिक अपने फसल का उत्पादन ले सके। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। बाकी अगला टॉपिक हमारा जो भी रहेगा उसको हम अगले वीडियो में आपको बताते हैं। थैंक यू।